हमारा बस चले ना पूरा ये कैंपर वैन में सो के खाना बना के ऐसा पूरा ऐसा जाने के लिए मन है, लेकिन रैपिड बोलता है तू मत, मतलब मामा तू मत कर, मेरा रैपिड वाला जो टी थे ना उसका वो काम आएगा कब। आयुष्मान का ना दिमाग पूरा परफेक्ट चलता रहता है, कौन सा वाला चीज कहाँ इस्तेमाल करना है पूरा परफेक्टली पता रहता है। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आप लोग को स्वागत करता हूँ लाइफ टू एक्सप्लोर में। उड़ीसा में हमको लगभग 45 दिन के आसपास हो गया और बेंगलोर से निकलते हुए 4.5 मंथ, मनाली में 3 मंथ, उड़ीसा में 1.5 मंथ, तो फाइनली हम इधर से निकल रहे हैं। उड़ीसा से बेंगलोर पहुँचेंगे, एक दो दिन लगेगा क्योंकि बेंगलोर में चल रहा है वीकेंड लॉकडाउन, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है और देखेंगे क्या करना है हमको। तो वीकेंड संडे में तो नहीं पहुंच सकते, या पहुंचेंगे फिर उधर कुधर रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है इसलिए हम आ रहे हैं करके, नहीं तो हमको किधर तिरुपति के आसपास किधर रुकेंगे, देखते हैं जो जो भी होगा आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी तो 5 बजे निकलने का टाइम था, निकलते निकलते 5:15 या 5:30 के आसपास हो जाएगा, सब रेडी हो रहे हैं। 1300 to 1400 किलोमीटर का रोड ट्रिप होने वाला है, 2 दिन में जाएंगे। विजयवाड़ा आज पहला स्टॉपेज है, चलो इधर से निकलते हैं, रोड ट्रिप का शुरुआत करते हैं। आयुष्मान को ठंड लग रहा है इधर, क्या ठंड है आयुष्मान, तू मनाली से आया? पूरा अंधेरा है भाई, लेकिन सुबह सुबह निकलेंगे ना, सनराइज बहुत अच्छा दिखता है यार रोड में, पूरा पैक है पीछे, सिर्फ आयुष्मान के लिए सोने के लिए जगह थोड़ा। चलो आयु 20 हो गया। लग रहा है कि 3-4 साल के बाद हम जा रहे हैं बेंगलोर। पहाड़ों में तो लाइक स्लो हो गया था, गांव आए के तो और भी ज्यादा स्लो हो गया। उधर 3 महीना, इधर 1.5 महीना। मम्मी पापा आ नहीं रहे हैं बेंगलोर, क्योंकि रीजन है यार, वो उनका जो लाइफ का रूटीन रहता है ना, एकदम फिक्स्ड रूटीन, रोज उठ के एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करना, वो सारे चीज चेंज हो जाता है बेंगलोर आके। उधर क्या है, बॉक्स जैसा घर है, इधर से बड़ा घर है लेकिन बॉक्स जैसा ही तो है ना फ्लैट, ना आगे है ना पीछे है, चाहे विला भी हो यार कितना मिट्टी नसीब नहीं होता है सिटीज में, तो इधर इन लोगों को करने के लिए बहुत सारा चीज रहता है, प्लांट्स का देखभाल, इधर उधर सुबह उठ के शाम तक टाइम पास हो जाता है। उनका ग्रुप भी है ना, उनका इसका ग्रुप है, और लोकल लैंग्वेज में बात करना, उड़िया में बात करने वाले लोग है, उधर आने से पूरा बोर हो जाते हैं, 1 महीने में निकल जाते हैं, मतलब 6 महीने में एक बार आते हैं, 1 महीने रहने से बहुत ज्यादा होता है उनके लिए। लगभग 100 किलोमीटर हमने क्रॉस कर लिया, आयुष्मान का 1.5 घंटे का नींद पूरी हो गई। हाँ वो आधा घंटा नहीं, 1 घंटे के आसपास सोया क्या, हाँ सोया रहेगा। वाइजाक में रुकेंगे, वाइजाक में हमारा एक सब्सक्राइबर दीदी, वो लेके आ रहे हैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट लंच सब, मतलब इतना प्यार से बोलते हैं लोग ना, मना नहीं कर पाते हैं, और वो हाईवे के साइड में, मतलब हम वो नहीं चाहते कि हम इंटरप्शन हो, जर्नी स्लो पड़े, वो हाईवे तक आएंगे देने के लिए, तो क्या बोले, मना भी नहीं कर सकते, इतना तकलीफ उठाते हैं। वो कल से ही फोन करके बोल दिए इंटरेस्टिंग होने लगा। हाँ।
क्या रहेगा, वो ट्रांसमिशन का एक अलर्ट आता है ना स्पीडोमीटर के पास, वो अलर्ट के पीछे बहुत बड़ा कहानी है। मनाली का ट्रिप हमको बहुत महंगा पड़ गया भाई। ये मनाली का ट्रिप ना मैं जितना खर्चा बोला ना उतना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा हो गया, क्योंकि कोई साइलेंसर भी चेंज कर दिया हमारा। क्योंकि जब मनाली से निकले 8-10 दिन पहले ही ये वार्निंग था, फिर हम जब इधर आए, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये वार्निंग है। बाद में सोचा चलो उधर जाके सर्विस सेंटर में दिखाते हैं, सर्विस सेंटर में दिखाते हैं, बोला कि वो जो लगा है साइलेंसर वो ये गाड़ी का है ही नहीं, मतलब बहुत पुराना मारुति इको का बहुत पुराना मॉडल का है वो साइलेंसर। आजकल जो साइलेंसर में ना एक सेंसर आता है इंजन ट्रांसमिशन का, वो साइलेंसर का वो जो वार्निंग, वो वाला जो सेंसर वाला प्लग है ना वो है ही नहीं। ये बहुत मुझे पूछ रहे हैं यार साइलेंसर चेंज किया क्या, मैंने बोला यार सर्विस सेंटर के अलावा बाकी गाड़ी हम किधर लिए नहीं, सर्विस ही हो रहा है, तो जो उधर रखते थे ना नीचे वो भी गायब। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मतलब रोड ट्रिप में तो ऐसा होता ही रहता है अनएक्सपेक्टेड चीज। हमने जो मोमेंट्स बिताए, जो मेमोरीज बनाया, वो प्राइसलेस है, उसका कोई प्राइस टैग नहीं है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होते रहते हैं। मतलब इतना लंबे लंबे रोड ट्रिप्स, इतना बोलते हैं ना, इतना बड़े बड़े चीज में छोटी छोटी चीज होती रहती है, जो होना है तो वो हो जाएगा, होने को कोई टाल नहीं सकता, क्या करें, ऐसे ही होता रहेगा और हमारा ट्रिप भी चलता रहेगा। फिर टेंशन नहीं है। पहुंच गए हम वाइजाग। एक्चुअली ना हमने एक गलत टर्न लिया टुवर्ड्स आनकापल्ली, एक रोड वो नोटिस भी नहीं रहा था, आप अगर 70-80 ऐसा स्पीड में आ रहे हो तो ऐसा सीधा सीधा चले गए। हमको डाइवर्सन लेना था टुवर्ड्स नेशनल हाईवे 16, मतलब उसमें ही कंटिन्यू करना था, हम सीधा सीधा चले गए, इसलिए थोड़ा घूम भर के आने में टाइम हो गया। अभी कितना टाइम हो रहा है? 10 o'clock. हाँ 10 o'clock हो गया। अभी वो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो दीदी और भैया वो आ रहे हैं, चलो उनसे मिलते हैं। ये मिलाता हूँ मैं आपसे, तनुजा दीदी सर उनके बेटे, बहुत तकलीफ किया हमारे लिए, इतना सारा बना के ब्रेकफास्ट लंच सब देके, आयुष्मान को देखना था हमें, और आयुष्मान शर्मा रहा है। आयुष्मान क्या आयुष्मान, मतलब फिर से जाएंगे लाने के लिए। मनाली में मल्ट हो गया, दो टमाटर लेके आए, दो एप्पल गांव में पिंक हो गया। क्या ट्रैफिक है यार, वो दीदी से मिलने के बाद निकले, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। अभी देखते हैं ये पूरा सिटी क्रॉस होने के बाद किधर देख के ब्रेकफास्ट करेंगे। ये देखो मतलब सिग्नल ही सिग्नल है, रुक रुक के जा रहे हैं कब से। हम तो गाड़ी में ही शुरू कर दिया, अब इतना ट्रैफिक है क्या करें, भूख भी लग रहा है। हाँ चलो फाइनली मिला हमको एक जगह सिटी क्रॉस करने के बाद। अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, टाइम हो गया 11:30 हो गया। एक्चुअली वैसे खा के आ रहे थे जो देर, वो पूरनपोली टाइप था ना, पूरनपोली और फ्रेंच फ्राई टाइप, अभी दो खत्म हो गया तो इसलिए भूख भी नहीं लग रहा था। चलो लोकेशन क्योंकि ना पूरा ऐसा रोड को लग के होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम है, सटके होगा तो ठीक है, सेफ भी है। चलो प्लेट निकालते हैं खेत के साइड में, पूरा
ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं, लंच भी नहीं बनाने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी लंच भी पैक करके दे दिया। हाँ जोर से, ऐसा नहीं, ऐसा दबा के नहीं। हाँ हाँ होता है, वैसे गियर में था ना, प्रॉब्लम नहीं है। आयुष्मान फेवरेट स्पॉट है उसका, ये फेवरेट स्पॉट है ना कार में। देख आयुष्मान खेती कर रहे हैं ट्रैक्टर में, इधर इधर। हो गया ब्रेकफास्ट, अभी पता नहीं कब रुकेंगे इसके लिए, लंच के लिए। भूख तो लगेगा नहीं अभी, 11:45 तो जब जिधर भूख लगेगा उधर रुकाएंगे, और क्या, खाना तो है अब, खाना तो है, लंच है। थैंक यू दीदी, थैंक यू वंस अगेन। आयुष्मान सोने की तैयारी कर रहा है, खाना हो गया अभी, सोना है, क्या करेगा अभी, खेलने के लिए तो कुछ है नहीं क्या आयुष्मान? पूल सोने का तैयारी कर रहा है, तू सो जा, हम निकलते हैं इधर से। ओके चलो, अभी तक हमने 333 किलोमीटर कवर कर चुके हैं ब्रह्मपुर से अभी इधर तक 333, और रोड कंडीशन काफ़ी अच्छा है, बहुत सारा रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो सब कंप्लीट हो गया। साल पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये साल पूरा हो गया कभी, और बीच बीच में चल रहा है कंस्ट्रक्शन, थोड़ा बहुत अभी भी है, नेक्स्ट ईयर आएंगे तो सब कंप्लीट मिलेगा लगता है, और अच्छे वाले रोड मिलेंगे, तेजी से काम हो रहा है। कोविड रूल का अभी तक तो कुछ नहीं, अगर आगे कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे फ्राइडे नहीं, वीकेंड है, फ्राइडे नाइट से मंडे मॉर्निंग 5 o'clock तक है, इसीलिए हम सोच रहे थे जाएं कि रुक जाएं, मंडे पहुंचे हैं, वैसा वो देखते हैं, जो होगा आपको तो मालूम पड़ जाएगा, बोलते बता देंगे आपको। अभी 426 किलोमीटर अभी तक आए, अभी पता नहीं और कितना, 200 किलोमीटर के आसपास तो रहेगा ही रहेगा। 55 दिखा रहा है, कब तक पहुंच जाएंगे? 543 दिखा रहा है, मतलब एक घंटा तो ब्रेक लेंगे लंच के लिए, 7 बज जाएगा। ठीक है, आयुष्मान उठ गया, उठ गया आयुष्मान। नींद भगाने के लिए ना ऐसा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज चाहिए रहता है। स्वीट कॉर्न मिल गया, और ये तो हमारा फेवरेट है यार, क्या क्या बोलते हैं इसको, क्या है हमारा ओडिया में बोलते हैं, नड़ा खजा, फिंगर चिप्स। अच्छा अच्छा, ये दो आयुष्मान उठ के बैठ गया सीधा नड़ा खजा देख के। रैपिड बोलता है तू मत, मतलब मामा तू मत कर, मेरा रैबिट वाला जो टीथ है ना उसका वो काम आएगा कब। आयुष्मान का था दिमाग पूरा परफेक्ट चलता रहता है, कौन सा वाला चीज कहाँ इस्तेमाल करना है पूरा परफेक्टली पता रहता है।
ऐसे तो दांत है ना पापा के जैसा खरगोश जैसा ही है। आयुष्मान खरगोश जैसा दांत हो गया, दिखा थोड़ा दांत देखा तेरा, हाँ खरगोश जैसा दो तीन दांत तो है, नहीं आएगा नहीं पता नहीं, नहीं आ रहा है, आ रहा है छोटा छोटा आ रहा है। अच्छा अच्छा ब्रेक 3:30 हो गया और हमको एक मस्त सा लोकेशन दिख गया लेक के किनारे, पता नहीं कौन सा लेक है, ऐसे ही हम जा रहे थे और विजयवाड़ा 150 किलोमीटर है पहुंचने के लिए, हमको ये लेक दिखा, काफ़ी सीनिक लोकेशन है, तो सोचा चाय इधर ही बना लेंगे पी लेंगे, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और नज़ारे का मज़ा भी ले लेंगे। एक्चुअली ना इधर बहुत सारे बर्ड्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, मज़ा आएगा, बना लेते हैं लेमन टी बना लेंगे, लेमन टी बनाएंगे तो वाइफ माने भी पीती है, दूध वाला चाय तो वो नहीं पीती, आयुष्मान भी पी लेता है थोड़ा। हमारा तो कैंपिंग सेटअप कैंपर वैन का सेटअप तो है ही खाना बनाने का, और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो पोर्टेबल स्टोव है हमारा ब्यूटेन वाला स्टोव, लोग पूछते हैं कौन सा वाला है कौन सा वाला है, तो ये ब्यूटेन गैस स्टोव है, छोटा सा सिलेंडर से चलता है, और इसमें और एक फीचर है, आप जो नॉर्मल वाला एलपीजी सिलेंडर है ना उसको भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ एक एडाप्टर आता है, ये एडाप्टर दिख रहा है ना इसके साथ आता है, ये वाला जो एडाप्टर है, एक एंड तो गैस का पाइप में जाता है, दूसरा एंड इधर आएगा, मतलब ये जो ब्यूटेन सिलेंडर है ये जैसे लगता है ना वो जैसा इधर लगेगा ये जगह पे, तो ये बेनिफिट है एक एडिशनल एडाप्टर के साथ आता है, हंस वाला कंपनी, मुझे लगता है सारे कंपनी का आता रहेगा। पंछियां ही पंछियां हैं यार, बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट। सबसे जल्दी बनेगा लेमन टी, कल खाना बनाएंगे किधर, आज तो बनाना नहीं हुआ मिल गया ब्रेकफास्ट लंच अब, और लंच मुझे नहीं लगता आज करेंगे, हम लेट ब्रेकफास्ट किया 11:30 को, उसके बाद पॉपकॉर्न क्या क्या खा रहे हैं सब, क्योंकि ऐसा लॉन्ग ट्रिप रहेगा ना, जैसे हम ट्रेन में खाते रहते हैं ऐसे ही होता है हमारा हालत इधर, तो खाते रहेंगे तो भी नींद नहीं आता है, नहीं तो कंटिन्यूसली ऐसा ड्राइव करते रहोगे तो थोड़ा बहुत नींद आ जाता है, चटपटा चीज चलता रहता है, चटपटा चीज चलता रहता है। हाँ हमारा बस चले ना पूरा ये कैंपर वैन में सो के खाना बना के ऐसा पूरा ऐसा जाने के लिए मन है, लेकिन क्या करें इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं, क्योंकि हर जगह आपको कैंप साइट मिल जाएगा और फैसिलिटी के साथ मिल जाएगा, सिक्योरिटी थोड़ा रहेगा, ऐसा तो है नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा बहुत आ रहे हैं, प्राइवेट कैंप साइट है जो कि होम स्टे से भी ज़्यादा कॉस्टली कभी कभी लगता है, तो वो तो हम तो तीन बार ही कॉस्टली पड़ा। हाँ मतलब 2000 के आसपास अगर कैंप साइट मिलेगा सिर्फ पार्किंग करके सोने के लिए, ना खाना ना कुछ, फिर टॉयलेट रहेगा पानी रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आता ना, फिर तो होम स्टे भी उतना ही मिल जाए, होटल भी मिल जाएगा। सारा पंछियां है पूरा ब्यूटीफुल, और वो साउंड कर रहे हैं ना टिपिकल, ये साउंड कोई भी लेक में जाओगे ना एक टिपिकल साउंड सुनाई देता है पंछियों का, कें 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 टाइप, एक यूनिक आवाज रहता है वो। चाय पानी के साथ साथ होटल भी हमने बुक कर लिया, क्योंकि इधर से कितना टाइम दिखा रहे हैं
तीन घंटे के आसपास लग रहा है, 2 hours 42 minutes, 125 kilometers है, हाईवे के साइड ही है। फेव होटल हमने ट्राई नहीं किया था पहले, अभी बुक किया, देखते हैं उधर जाके एक्सपीरियंस कैसा रहता है, होटल कैसा है। चलो सीधा होटल में मिलते हैं। पहुँच गए जी विजयवाड़ा, 7:15 में हम पहुँच गए इधर। ट्रैफिक काफ़ी था, नेशनल हाईवे साइड में एक होटल मिला, फेव होटल आरआर ग्रैंड करके। प्राइस कुछ 2500 है, जनरली हम 1500 के नीचे ही देखते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 2000, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ क्योंकि हाईवे साइड में है और हमको कन्वीनियंट है जाने के लिए कल सुबह, तो इसलिए ले लिए। चलो ये करते हैं। रूम इतना भी बड़ा नहीं है बट डिसेंट रूम है, मैं दिखा देता हूँ। ये रूम है, रेस्ट रूम भी ठीक ठाक है, अच्छा रूम है, लेकिन 2500 में थोड़ा सा मुझे ऐसा थोड़ा ज्यादा लगा रेट, चलेगा 500 ज्यादा है 2000 तक ठीक है ये प्राइस में। और खाना तो हम बीच बीच में बहुत सारा चीज़ खा के आ रहे थे, ब्रेकफास्ट लेट किए 11:45 के आसपास किए, 12 बजे से मतलब वो लंच बोल सकते हो, इसलिए भूख नहीं लगा, लंच किए ही नहीं। वो जो दीदी दिए थे वो पैक करके ऑलरेडी है, तो डिनर के लिए डिनर हो जाएगा डिनर हो जाएगा। बहुत थक गए, अभी खाना खा के सीधा 7:30 हो रहा है, फिर भी खाना खा के सो जाएंगे, सुबह निकलेंगे। मैं हम सोच रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं बेंगलोर, मतलब थोड़े वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है ना, लॉकडाउन है, टोटल लॉकडाउन है, तो रिस्क नहीं लेंगे। तिरुपति के आसपास किधर रुक जाएंगे या उसके आगे देखेंगे, जिधर होगा उधर रुक जाएंगे और मंडे मॉर्निंग ही पहुंचेंगे। दूर जा सकते जाएंगे। चलो जी, नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ये ब्लॉग का, रोड ट्रिप का, वो नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।